हेलो फ्रेंड्स, हर्षा इंजीनियरिंग के आईपीओ को रिव्यू करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस आईपीओ के पर्सपेक्टिव से इन कंपनीज के चार्ट्स काफी रेलिवेंट हो जाते हैं। आपकी स्क्रीन पे चार कंपनीज के चार्ट हैं, रोलेक्स रिंग्स, टिमकेन इंडिया, शेफलर एंड एसकेएफ इंडिया। रोलेक्स रिंग्स, जिसकी लिस्टिंग हुई थी लास्ट ईयर अगस्त में एट 39% प्रीमियम, एंड लिस्टिंग के बाद करीब एक साल में कंपनी के शेयर ने रिटर्न दिए हैं 88% के। टिमकेन इंडिया पिछले एक साल में बढ़ चुका है 95% से, शेफलर बढ़ चुका है 150% से, एंड एसकेएफ इंक्रीज हुआ है 53% से। इन चार कंपनीज में दो बातें कॉमन है। पहली तो ये कि ये चारों ही कंपनी आज के दिन में अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। सेकेंडली, ये चारों ही कंपनी सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। अब बात करते हैं हर्षा इंजीनियर्स की, तो हमारे लिए सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो ये हो जाता है कि ये कंपनी भी सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो आज के दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, एंड आगे आने वाले इयर्स में भी डिमांड पर्सपेक्टिव से आउटलुक काफी स्ट्रॉन्ग है। देखिए, मार्केट अभी चल रहा है अप ट्रेंड में, एंड एक बार फिर से हो रही है आईपीओ की बारिश। रिसेंट दो आईपीओस को देखें तो एसजीएस टेक्नोलॉजी, जो कि लिस्ट हुआ था 19% के प्रीमियम पे, एंड ड्रीमफोक्स, जिसने पहले ही दिन इन्वेस्टर्स को दे दिए थे 50% से भी ज्यादा के रिटर्न्स। हर्षा इंजीनियर्स भी लेकर आया है अपना आईपीओ, तो टाइमिंग के हिसाब से कंपनी को जाते हैं फुल मार्क्स। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में रिव्यू करेंगे इस आईपीओ को, समझेंगे कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी का वैल्यूएशन आज के दिन में क्या है, एंड कंपनी ने इन्वेस्टर्स के लिए लिस्टिंग गेन का कितना स्कोप छोड़ा है। साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी करेंगे, एंड जानेंगे कि कंपनी आज के दिन में कहां स्टैंड करती है अगेंस्ट इट्स पीयर्स। स्टार्ट करते हैं कंपनी के बिजनेस से। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है बियरिंग केजेस एंड प्रिसीजन स्टैम्प कंपोनेंट्स, जिनका यूज आज के दिन में मल्टीपल इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे कि ऑटोमोटिव, रेलवे, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर। इस तरह की मल्टीपल इंडस्ट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। बियरिंग केजेस के ऑर्गेनाइज सेक्टर में कंपनी का मार्केट शेयर इंडिया में है 50-60%, यानी कि ऑलमोस्ट मोनोपोली, एंड वर्ल्ड मार्केट में इनका मार्केट शेयर है 6.5% का। मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस की बात करें तो कंपनी ने काफी स्ट्रेटेजिकली अपने प्लांट्स को चार लोकेशंस में सेटअप किया है। दो प्लांट्स हैं इनके गुजरात में यानी कि इंडिया में, एक प्लांट है चाइना में, एंड एक प्लांट है रोमानिया यानी कि यूरोप में। इन चार लोकेशन से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 25 से भी ज्यादा कंट्रीज को सप्लाई करती है। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का काफी अच्छा रहा है। कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन को एक बहुत ही अच्छे CAGR के साथ में ग्रो किया है। टोटल एसेट बेस कंपनी का 2019 में था 195 करोड़ का, जो कि आज के दिन FY 2022 में बढ़कर हो चुका है 1158 करोड़ का। रेवेन्यू की बात करें तो 118 करोड़ से आज के दिन में रेवेन्यू पहुंच चुका है 1339 करोड़ पे, एंड प्रॉफिट्स की बात करें तो 2019 में कंपनी लॉसेस में थी, बट FY 2022 में इनके प्रॉफिट्स हो चुके हैं पॉजिटिव 92 करोड़। आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले, इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कंपनी आईपीओ की प्रोसीड्स को चार तरह से यूटिलाइज करने वाली है। सबसे पहला, डेट को रीपे करने के लिए। सेकेंडली, कुछ प्लांट एंड मशीनरी यानी कि केपेक्स के लिए, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज में कुछ रिपेयर वर्क्स के लिए, एंड ऑफ कोर्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 14th ऑफ सितंबर को, एंड क्लोज हो जाएगा 16th ऑफ सितंबर को। आईपीओ से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे है, आप चाहे तो पॉज करके इसे देख सकते हैं। अब चलते हैं आईपीओ रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट में, यानी कि पीयर्स कंपैरिजन। देखिए, ये एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कंपनीज इवन तो सेम इंडस्ट्रीज से बिलोंग करती है, बट अपने अपने एरियाज में मल्टीपल प्रोडक्ट्स को आज के दिन में मैन्युफैक्चर करती है। बट इस कंपैरिजन से हमें एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी आज के दिन पे कहां स्टैंड करती है अगेंस्ट इट्स लिस्टेड पीयर्स। तो साइज की बात करें तो ऑफ कोर्स हर्षा इंजीनियर्स एक स्मॉल कैप कंपनी हो जाती है, बट लिस्टिंग के बाद ये एक्सपेक्टेशंस है कि इनका मार्केट कैप रोलेक्स रिंग्स के आसपास पहुंच जाएगा। रेवेन्यू इनका है 1339 करोड़ का, जो कि रोलेक्स रिंग के कंपैरिजन में ज्यादा है, बट ऑफ कोर्स अदर थ्री कंपनीज के कंपैरिजन में काफी कम है। कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है इनका नेट प्रॉफिट्स मार्जिन,
इनके पीयर्स को देखें तो सभी के सभी पीयर्स आज के दिन में डबल डिजिट नेट प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहे हैं, वहीं पर हर्षा इंजीनियर्स का नेट प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है 7% का, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट कंपनी के पर्सपेक्टिव से हो जाता है। सेम गोज विद आरओई, आरओई इनका 17% का है, जो कि पीयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है, जहां पे इनके पीयर्स काफी हाई पीई पर ट्रेड कर रहे हैं, वहीं पर कंपनी ने आईपीओ लाया है 330 रुपीस पर शेयर पे, यानी कि 28 के पी मल्टीपल पे। अगर कंपनी चाहती तो आराम से इस आईपीओ को 35 या फिर 40 के पी मल्टीपल पे भी ला सकती थी, बट एट दिस प्राइस ये आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। अच्छा खासा लिस्टिंग गेन का स्कोप कंपनी ने इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ा है, तो यहां पर 50-70% का लिस्टिंग गेन भी इन्वेस्टर्स को मिले तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। मैं पर्सनली अपने सभी फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करने वाला हूं। देखिए, इस आईपीओ का साइज 755 करोड़ का है, यानी कि एक छोटा आईपीओ है, तो यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर ये आईपीओ 40-50 टाइम्स भी ओवर सब्सक्राइब्ड हो तो डोंट बी सरप्राइज्ड। आपका इस आईपीओ को लेकर क्या डिसीजन है कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। थैंक यू so much.